लगता है मन ये सोचने जीवन के हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी हो कर मैं ना हूं कैसे कहूं किससे बनने वाला था उसके आने की खुशी में मैं जी रही थी। तुम ही मुझे मौत के मुंह में लेकर आए हो देव, तुम ही ने मुझसे मेरा सहारा छीन लिया। छोड़ो मुझे। जो मैंने तुमसे छीना वो तुम्हें कभी लौटा नहीं पाऊंगा, पर मैं एक वादा जरूर कर सकता हूं, जिंदगी में कभी भी तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी तो मुझसे मांगना। क्यों देव, क्या हुआ, ऐसा क्यों कह रहा है? मैं कान्हा को रंग नहीं लगा सकता दादी माँ, क्योंकि मुझे लगता है यह अधिकार मेरा नहीं है। मेरी पत्नी का है। जिन गुणों की आप बात कर रहे हैं वो सारे गुण राधिका में मौजूद है। इसलिए कान्हा को रंग राधिका को लगाना चाहिए। अरे चाची माँ, एक आप पति पत्नी के प्यार की वजह से घर की प्रथा परंपराओं को बदलते रहेंगे। राज पुरोहित को तिलक लगाना होता है, राज पुरोहित ही तिलक लगाएगा। नहीं सुशील, देव ने कोई गलत नहीं कहा। अगर राधिका की अच्छाइयां गिनाने बैठूं तो सुबह से रात हो जाएगी। राधिका राज पुरोहिताइन है, राज पुरोहित की अर्धांगिनी, और कान्हा को रंग लगाने का गौरव राधिका जैसे कान्हा भक्त को ही मिलना चाहिए। और घर की प्रथा परंपराएं वो भी निभाएंगे सुशील। होली उत्सव के बाद कान्हा को नहलाकर अभिषेक करना होता है, वो तो देव ही करेगा। देव ने ये तो नहीं कहा कि भगवान की मूर्ति को वो हाथ नहीं लगाएगा। करिए जो जी में आए करिए, हमरा का हमरे तो बस बंसी बजाइए, करिए। आओ छोटी बहू, कान्हा को रंग लगा। गोपाल राधे राधे, गोविंद 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 गोपाल राधे राधे। शादी के बाद की पहली होली मुबारक हो। देव, देव कहाँ चला गया? दादी माँ हमें भी तो आशीर्वाद दीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल। होली खेले रघुवीरा यवध में, होली खेले
लुगाई हिल मिल आवे लोग लुगाई हिल मिल आवे लोग लुगाई भाई महारान में तीरा यावत में होरी घर रघुवीरा अरे होरी खेल रघुवीरा यावत में होरी घर रघुवीरा तनिक शर्म नहीं आई देखे नहीं अपनी उमरिया तनिक शर्म नहीं आई देखे नहीं अपनी उमरिया कर रहे हैं आप ऐसा तुम जानती हो राधिका तार लीजिए ना अपने मन से ये बोझ मन को तो मैं मना लूंगा राधिका पर इस आत्मा का क्या करूं उसने ये अपराध अपने सिर पर ले लिया मैं होली की खुशियों में शामिल नहीं हो सकता रहा कर्तव्य समझकर भी नहीं अपने परिवार के बारे में सोचिए उनकी खुशियों के बारे में सोचिए वो ये उत्सव इसलिए मना रहे हैं क्योंकि ये हमारी पहली होली है वो हमारी खुशी में खुश होना चाहते हैं और हम उनका साथ भी ना दें और फिर राज पुरोहित होने के नाते वो सारी रस्में निभानी चाहिए जिनकी आपसे उम्मीद की जा रही है मैं ये नहीं कर सकता राधिका मैं अपने इन गंदे हाथों से काना को छू नहीं सकता रंग लगाना तो बहुत दूर की बात मैं उनसे नजरें भी नहीं मिला सकता एक बार चलकर अपनी दादी माँ के चेहरे की तरफ देखिए जो चाहती है कि उनका पोता उनके साथ होली खेले एक बार अपनी माँ की तरफ देखिए जो ये सोच सोच कर परेशान है कि उनका बेटा होली क्यों नहीं खेल रहा है आपको उनकी खातिर आपको होली मनानी चाहिए और फिर राज पुरोहित होने के नाते बाद में कान्हा का अभिषेक भी करना चाहिए आइए चलिए कर सकते वो देवा वो थोड़ा सा रंग लगा नहीं नहीं मैं अभी रंग से खेलना नहीं चाहता जी कोई बात नहीं राधे राधे धन्यवाद या तो से ना गिरे
रात दिन धुन पिया तो से पिया तो से नैना लागे रे नैना लागे रे जाने क्या हो अब आगे रे नैना लागे रे पिया तो से बिरजू यहाँ है। देखो देखा ये देखो बिरजू बफर सुशील तुमने खुद तो भांग पी ली इसे भी पिला दी चाची माँ आज के दिन भी भांग नहीं पीने दो अरे भांग थोड़ी है चाची माँ तो ठंडाई है ठंडाई ठंडाई हाँ बिरजू और लगाएंगे चलो चाची माँ चलो एक गिलास और लेंगे आजा 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 अरे आजा आजा ठंडाई है चाची माँ ठंडाई चल दादी माँ ये दोनों अकेले होली खेल रहे थे बस इसी तरह खुश रहो और खुशियां बांटते रहो और ये होली तुम लोगों के जीवन में खूब सारा रंग भर दे हाँ बेटा ये रंग ये सुंदरता का प्रतीक होते हैं भगवान ने अनगिनत रंग बनाए होंगे जिनकी हम गिनती भी नहीं कर सकते पर आज के दिन हम होली खेलकर रंग उड़ाकर भगवान से सब रंगों का धन्यवाद कहेंगे चल बेटा होली का उत्सव तो खत्म होने को आया अब तैयारी कर ले स्नान करा के अभिषेक करना है वैसे तो ये रीत बहुत पुरानी है और बहुत महत्वपूर्ण भी ये करके हमारे राजपुरोहित अपने खानदान के लिए पुण्य अर्जित करते हैं वैसे तो रीत बहुत पुरानी है लेकिन चूंकि दादी माँ का पोता अभिषेक करा है इसलिए बहुत जरूरी है आज के लिए अरे भाई देव मेरा सिर्फ पोता ही नहीं मेरा गर्व है मेरा अभिमान है चल बेटा दादी माँ मैं क्या हुआ कुछ कहेगा मैं ये कह रहा था कि अगर ये भी रस्म कर राधिका कर दे तो क्यों तू ये पूजा क्यों नहीं करना चाहता देव ये रस्म बहुत विशेष है हमारे पूरे खानदान के लिए राधिका ने तिलक कर दिया लेकिन स्नान और अभिषेक तो तुझे ही करवाना होगा दादी माँ क्या हुआ वो शर्मा जी और उनके परिवार वाले जाना चाहते हैं तो वो लोग आपको बुला रहे हैं चलो वैशाली दादी माँ की बात मान लीजिए ना बात सदियों की रीत की है राधिका सदियों से राजपुरोहित एक पवित्र आत्मा है मेरे जैसा नहीं है जिसके हाथों में एक बच्चे की आपके हाथों कुछ नहीं हुआ है वो सिर्फ एक दुर्घटना थी जिसकी वजह मैं भी बन सकती थी पर तुम बनी तो नहीं थी हुआ तो वही राधिका जो होना था वो वजह मैं बना मेरे हाथों से उपा तो फिर क्या सोचा है आपने पता नहीं मैं बताती हूँ सामने कान्हा की मूर्ति है जिसका आपको अभिषेक करना है चलकर उन्हीं से पूछ लेते हैं पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ है क्या वो उनकी इच्छा के विरुद्ध था अगर इस दुर्घटना की वजह उन्होंने आपको चुना है तो मूर्ति का अभिषेक करने के लिए भी भगवान ने आप ही को चुना है आपको ये करना होगा दादी माँ की भावनाओं की खातिर माँ जी की आशाओं की खातिर और इस कुल के सम्मान की खातिर चलिए देव बेटा चलो आरती कर ले
फिर उसके बाद अभिषेक संस्कार करना है। अरे बिरजू, सुशील, चलो आरती का वक्त हो गया है, आ जाओ सब लोग, आ जाओ तुम लोग भी आ जाओ। यमुना तट पे बंसी वट पे निदमंजी में दान गली में मान गली में कुंज गली में बांके बिहारी संतों की प्यारी हमारी प्यारी प्राण वल्लभा बरसाने में जय राधे राधे जय राधे राधे श्याम मिला दे श्याम मिला दे जय राधे राधे 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 जय राधे राधे। क्या कर रही है, इसे किसने बुलाया? होली खुशियों का त्योहार होता है और उसमें ऐसे किसी व्यक्ति के आने की अनुमति नहीं होती जिसने हमें दुख पहुंचाया हो, जिसे देखकर हमें अपना वो अतीत याद आए जिसे हम भुलाना चाहते हैं। यहाँ से चली जाओ विशाखा, यहाँ रुकने से कोई फायदा नहीं होगा तुम्हें। विशाखा कहीं नहीं जाएगी, मैं लाया हूं इसे यहाँ। देव, ये तू क्या कह रहा है? तूने इसे यहाँ बुलाया? किस लिए लाया है तू इसे यहाँ? अरे क्या तू भूल गया? भूल गया इसने क्या किया था हमारे साथ? कितना अपमानित हुए इसकी वजह से? कितना सहा है हमने इसकी वजह से? हाँ, भूल गया सर? अरे बोलता क्यों नहीं? क्यों लेकर आया तू इसे यहाँ? इसमें पूछना क्या है भाभी जी, छोटी बहू की बहन है तो छोटी बहू ने बोला होगा, तेरे बाबू को बुला लो तो बुला लिया, और क्या। छोटी बहू, तुमने कहा था इस लड़की को यहाँ लेकर आने की? नहीं माँ, राधिका ने मुझसे कुछ नहीं कहा है, मैं अपनी मर्जी से विशाखा को यहाँ लाया हूँ। और आज से विशाखा हमारे साथ हमारे घर में रहेगी। पागल हो गया है, सुना तूने? पागल हो गया है। माँ जी सुन रही हैं आप क्या कह रहा है देव? सुन रही है ना? देख देव, तूने चाहे जो भी सोचा, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम बस इतना चाहते हैं कि ये लड़की
अभी इसी वक्त यहाँ से चली जाए। हम इसकी सूरत भी नहीं देखना चाहते इसे कहो चली जाने के लिए। ओह, तो तू ये काम नहीं करेगा, ठीक है? तो ये काम हम करेंगे। माँ, मैंने कहा ना माँ कि विशाखा यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई है, उसे मैं यहाँ लेकर आया, मैंने उसे पनाह दी है और मैं फैसला ले चुका हूँ कि विशाखा हमारे साथ रहेगी, हमारे घर में रहेगी। और मैं अपना फैसला बदल नहीं सकता। देव, तुझे होश भी है? तू किस बारे में बहस कर रहा है? मैं कुछ पूछ रही हूँ, क्यों लाया इस लड़की को तू यहाँ? जवाब दे। क्योंकि मैंने इसे घर में रखने का फैसला लिया है और मैंने इसे आश्रय दिया है। लेकिन क्यों? जबकि सब जानते हैं कि पूरा परिवार इससे घृणा करता है, नफरत करता है, और जहाँ तक मैं जानती हूँ कल तक तू भी इससे नफरत करता था, तो आज ऐसा क्या हो गया कि तू इसे अपने घर में ले आए? ये बताना मैं जरूरी नहीं समझता। मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला लिया है और मुझे कोई सफाई नहीं देनी। सफाई तुझे देनी होगी देव। देव, तुझे सबके सवालों का जवाब देना होगा। बता, इसे यहां लाने की क्या वजह है? मैं इनके सवालों का जवाब नहीं दे सकता भैया। क्यों नहीं दे सकता तू सवालों का जवाब? क्या हमारे सवालात इतने गैर जरूरी हो गए तेरे लिए? मुझे मजबूर मत कीजिए माँ, मैं आपको कुछ नहीं बता पाऊंगा। मैं निर्णय ले चुका हूं कि विशाखा हमारे साथ ही रहेगी। मुझे लगता है मुझे ये निर्णय लेने का पूरा हक है। जाने दीजिए, अब क्या है कि ये तो एक राजपुरोहित का निर्णय है ना, उनके निर्णय का हम विरोध कैसे कर सकते हैं भाई? हैं, बताइए। बाजी बंसी बजाइए आपकी महिमा। वाह 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 वाह। अरे कितना इंतजार था कि देव और राधिका की पहली होली देखने का। लो, देख ली होली, एक अलग ही रंग देखने को मिल गया होली में। चलिए देव बाबू, ये अंतिम रस्म भी पूरी करके इस उत्सव का समापन करिए। रुको देव, तुम ये स्नान और अभिषेक नहीं करोगे। मैं ऐसे किसी भी व्यक्ति को कान्हा की मूर्ति को हाथ तक नहीं लगाने दूंगी जिसका मन साफ न हो। जिसकी अंतरात्मा उसे झूठ बोलने पे और बात छुपाने पे विवश कर रही हो। लेकिन अगर देव अभिषेक नहीं करेगा तो कौन करेगा? अर्जुन करेगा। चाची माँ, अर्जुन ये अभिषेक कैसे कर सकता है? हा? ये जो रस्म है ये तो एक राजपुरोहित ही कर सकता है ना। मैं जानती हूँ सुशील, लेकिन देव राजपुरोहित की तरह बर्ताव नहीं कर रहा है, और जबकि वो ऐसा नहीं कर रहा है तो कान्हा का अभिषेक भी अर्जुन के हाथों ही होगा। हाँ,
अगर देव इस अनचाहे मेहमान को यहाँ से भेज दूं, तो शायद मैं इसे माफ कर दूं और अभिषेक करने दूं। मैं विशाखा को वापस नहीं भेज सकता था दीना। ठीक है, तो तू कान्हा का अभिषेक भी नहीं कर सकता। ये संस्कार अर्जुन ही करेगा। देवाबू, देवाबू, ये क्या हो गया है आपको? मैं जानता हूं आप सब लोग मेरे लिए दुखी हो रहे, पर अगर दादी मां मुझसे ये संस्कार नहीं करवाना चाहती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे जितना बताना था मैं बता चुका हूं, इससे आगे मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। अर्जुन,